तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नूह समेत हरियाणा के कई इलाकों में भारी तनाव, अब तक 5 लोगों की मौत। हरियाणा के नूह जिले में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को रोकने की कोशिश करने पर भड़की हिंसा में अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद नूह जिले के मेवात समेत कई इलाकों में तनाव की स्थिति है, जिसके चलते गुरुग्राम समेत हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट पर पाबंदी है। इसके अलावा तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जारी हुआ है। मैं आपको बता दूं, नूह में हिंसा के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में भीड़ के हमले में एक शख्स की मौत हो गई और एक मस्जिद में आग लगा दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। इस घटना को लेकर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने गोलियां चलाई, जिसके कारण 2 लोग घायल हो गए और इनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बिहार निवासी साध के रूप में हुई है। हरियाणा के नूह जिले में शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में घायल हुए 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान होमगार्ड नीरज और गुरु सेवक और बादस गांव निवासी भक्ति के रूप में हुई है। हिंसा में मारे गए 4th व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हो पाई है। नूह में हिंसा के दौरान घायल हुए 23 लोगों में 10 पुलिसकर्मी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने इस मामले में 11 FIR दर्ज की है और 27 लोगों को हिरासत में लिया है। हिंसा के दौरान करीब 50 वाहनों को फूंक दिया गया। फिलहाल पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट भी बंद है।